तो हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद क्लासेस। এই ভিডিওটা ডিসকাস করিবা রিজনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন, যেটা কি আরআইই বা আপনকৰ রিজনাল বিইডি আপন তাপাই জানিছন্তি। তো বেসিক্যালি এটা ভুবনেশ্বর রিজনে যে আপনকৰ রিজনাল ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ভুবনেশ্বর আছে, তাপাই কি মধ্য আপনকৰ ভ্যাকেন্সি আসিছি এন্ড ইয়ার অলরেডি মানে নোটিস আসি সারিতলা। তো কি আপন দেখি পড়তবে কি আপনকৰ লাস্ট ডেট তার আছে কিতে ना 4/5/2020 मीन्स कि आप 6/4/2020 स्टार्ट हो गला एंड एटी मे 4 तारीख आप लास्ट डेट सर। तो जो मैंने अप्लाई करना तो काइंडली अप्लाई करनी निपको अप्लाई करने कि ये जस्ट वेबसाइट अच्छी cee.ncert.gov.in। तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाव। तो यदि एपर्त अप्लाई करना अप्लाई करनी कि कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रोक एंड केमती एग्जाम आप एंड केमती आप सिलेबस अच्छी सब मुझे डिस्कसन करी एंड यहाँ जब टेस्ट सीरीज आप खोजुं टेस्ट सीरीज मुझे जोगेदेवी। ओके निहाती भाव में आपरे बेनिफिट पाइपे। प्रथम जिन ए कौ कोर्स अच्छी, सो कोर्स आप बैचलर ऑफ एजुकेशन बीईडी अच्छी, बीए बीईडी अच्छी जो प्लस टू जो मैंने पढ़ी जस्ट आर्ट्स पढ़ी कि यहाँ मीन कि प्लस टू पर अप्लाई करते जस्ट बीए बीईडी कि बीएससी बीईडी पे कि आप प्लस टू साइंस पे अप्लाई करते हैं एंड एमईडी पे कि जो मैंने बीईडी ऑलरेडी कर सकते हैं एमईडी करते हैं एंड एमएससी ईडी मीन कि एमएससी प्लस आप एजुकेशन जस्ट रहा मीन कि दुटाक कंबाइनली आप कोर्सेस प्रोवाइड करा हो बुझेगा। यहाँ कि स्पेशल आप जस्ट देखो ये आरआई भुवनेश्वर कि आप बीईडी पे कि 50 सीट रिजर्व अच्छे साइंस ग्रुप कि ओके एंड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप जमीक आप आर्ट्स कैटेगरी कि 50 आप सीट अवेलेबल अच्छी जोटा कि आपईडी पाई से टाइप बीए बीईडी जब कहे तो भुवनेश्वर से 50-50 सीट आप सहित ये आपकी बीएससी बीईडी कहे तो ये आप 50 एंड 50 सीट आपलेबल अच्छी बोथ कैटेगरी कि बुझेगा। देन आप एमईडी कहे एमईडी भी सही टाइप आरआई भुवनेश्वर जो 50 एंड 50 आप सीट आवेलेबल अच्छी। देन आप जस्ट एमएससी ईडी या 50 एंड 50 सीट आप रिजर्व अच्छी बुझेगा। तो से आप एपर्त चाहूँ अप्लाई करने तो निहाती अप्लाई करेंगे। तो यहाँ एलिजिबिलिटी कौन रहा देखो बीईडी कि एलिजिबिलिटी आप जो बैचलर डिग्री आप मास्टर इन साइंस है कि आप जब बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जब आप अच्छी 50% जब आप अच्छी तो निहाती अप्लाई करेंगे। ओके एंड ये आपको किसी एक्सेप्शन दिखाई जमीक आप अदर कैटेगरी जमी आप एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मैंने 5% रिलैक्सेशन मार्क आपके बुझेगा। एंड बीएससी ईडी जोटा अच्छी यहाँ कि आप प्लस टू हायर सेकेंडरी कि सीनियर सेकेंडरी जो मैंने तो अप्लाई करेंगे एंड इसे भी आपको कौन हाँ कथ ना से 50% मार्क एग्रीगेट रहा कथ एंड जो मैंने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी अच्छा 5% रिलैक्सेशन आपको मिले से आप बीएससी ईडी तो ये आप कौन दरकार ना प्लस टू हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आप एलिजिबल हो पारे साइंस कैटेगरी एंड कमर्स कैटेगरी। ओके एंड ये आपको हाँ ये भी आप मीन कि ये आपको किसी कैटेगरी वाइज मिले जमी पीसीएम कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कथ एंड सी विजेड कि आप जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थी कथ तो ये आप 50% मार्क निहाती रखा कथ एंड ए भी आपको 5% रिलैक्सेशन मिले कौन ना आप बोथ कैटेगरी अनुसार से एमईडी जो मैंने अच्छा सो एमईडी कि आपको जस्ट बीईडी करता कि बीए बीईडी कि बीईडी करता बीएससी ईडी कि बीएससी ईडी आप कथ बीईएलडी जो आप सहित जब करपर कि डीएलडी सहित आप बैचलर डिग्री इन आर्ट्स एंड साइंस कैटेगरी अच्छी एंड 50% मार्क जब आप रखी निहाती भाव में एलिजिबल हो पारे। एमएससी ईडी कौन एमएससी ईडी कि आपको रिक्वायर्ड होता है कि आपको कैंडिडेट सिलेक्टिंग सिकिंग एडमिशन एमएससी ईडी तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपड़ा कथ एंड विथ आप सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम रहा कथ एंड सहित एम रे जो रोचे ये मैथमेटिक्स कि स्टाटिस्टिक्स हो पार प्लस टू लेवल जब आप अच्छी एंड सहित आप कौन करें ये आप भाव में कौन थी कथ ना आप सीनियर सेकेंडरी कि आप हायर सेकेंडरी थी कथ जोटा कि आप 50% मार्क रहा कथ एंड आप जब एससी एसटी अच्छा तो निहती भाव में 5% रिलैक्सेशन आपको मिले कथ ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ए सिलेबस भी कही रखुच्छे सिलेबस अति इजी अच्छी बट ये गोटे जिनस निहाती नोट करेंगे कि ये आप कैरियर मार्क रही है तो जो मैं कैरियर मार्किंग भल अच्छी तो निहाती आप आराम से अप्लाई करूँ एंड ये जो मैं कैरियर मार्किंग मीन कि आवरेज भी अच्छी तो आप भी अप्लाई करूँ बिकज ये आपको काफी सारा अपॉर्चुनिटी अच्छी देखो कमी अच्छी मुझे कहूँ कि सिलेक्शन एक्चुअली होता है आप
तो प्रथम जिनस है जो मैंने कम्पिटेटिव फिल्ड में अच्छा जदि आप बीईडी पे कि चाहूँगी अप्लाई करने कि तो बेसिकली देखो ये आपको टोटल क्वेश्चन अच्छी देखो 80 मार्क मैंने 80 क्वेश्चन रोज एंड टाइम ड्यूरेशन 120 अच्छी तो बहुत इजी लेवल क्वेश्चन आपको आसूस देखो इंग्लीश ओके लांगुएज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स आस टीचिंग एप्टीट्यूड आपको 30 मार्क्स आस एंड रीजनिंग एबिलिटी आपको 30 मार्क्स आस बुझेगा तो ये आप 30 60 प्लस 20 80 मार्क्स या को आप 120 मार्क्स अच्छी तो ये आप मीडियम बुकलेट मीन कि हिंदी एंड इंग्लीश रोक बुझेगा एंड ए कौन रहा देखो लांगुएज प्रोफिशिएंसी आपंकर जस्ट कौन रही है या देखेबी आपको कमी भाव में प्रीवियस क्वेश्चन आसाला भी आपको एनालिसिस करी सो ये देखो ये आपको कौन आसप्रिहेन्सर आस रिअरेंजिंग द सेंटेंस आस एंड सुइटेबल वर्ड को सिलेक्टिंग करने की आपको फिलिंग द ब्लैंक्स हिसाब से आसो ता सहित एरर को आपको डिफरेंट सेंटेंस जो पार्ट ऑफ सेंटेंस अच्छी तो पार्ट ऑफ सेंटेंस आप एरर बाछापी आसो एंड फाइंडिंग द फाइंड आउट द इक्विवेलेंट मीनिंग ऑफ द गिवन पासेस गोटे गिवन पासेस इक्विवेलेंट मीन आप पासेस क्वेश्चन आसो एंड ता सहित ये आप इनकम्प्लीट सेंटेंस को फिल करने की क्वेश्चन आसो ये ग्रामर सिक्वेंस जमी सिनोनिम एंटोनिम्स एंड आइटम फ्रेजेस एंड प्रिपरेशन ये सब आपको आसो एंड टेन्स आर्टिकल तो बेसिकली पूरा पूरी आपको कंपिटेटिव फिल्ड एंड बेसिक लेवल क्वेश्चन आपको आसो सहित टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको रोचे ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा पूरी आपको जस्ट कोर्सटा अच्छी मीनस कि कमी स्कूल को आपको ये करेंगे सब आपको डिस्कस करी बट ये आपको डिस्कस करूँ रीजनिंग एबिलिटी भी सेमती बहुत बेसिक जिस भार्बल नन भार्बल आपको क्वेश्चन आसो तो या डिटेल सिलेबसटा मुझे डिस्कस करी कमी प्रिपेयर करेंगे अच्छी ओनली आपको जो मैंने कंपिटेटिव फिल्ड में अच्छा टीचिंग जो टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छी ताको केवल जब आप पढ़ुं तो आप सिलेबसटा कवर्ड हो थे ट्राए कर किसी असुविधा नुह निहाती भाव में ट्राए करूँ ओके जो मैंने एक्चुअली चाहूँ बीईडी अप्लाई करने की तो बेसिकली इनफर्मेशन भी पिलाखे न था तो से प्रॉब्लम पाई तो बेसिकली मतलब जेहतु रिक्वेस्ट आसाला यहाँ कि पिलाने मतलब बारंबार रिक्वेस्ट करते कि सर या विषय गोटे वीडियो बनातु एंड ता सहित कमी भाव में अप्लाई करूँ एंड कौन कोर्स अच्छी एंड तार सिलेबस कौन अच्छे कमी भाव में प्रिपेयर करूँ ता विषय भी आपको कहने रिक्वेस्ट आसाला से आपको ये भिडटा बनई तो बेसिकली आर आई भुवनेश्वर हिसाब से भी अच्छी तो ये आपत भाव में एंड CEENCERT.gov.in को आपन जाई के एठी देखंतु ओल्ड सिलेबस सी सिलेबस अछि तो एठी सिलेबस देखंतु क्लिक करले सो एठी सिलेबस को ऑलरेडी भी डिस्कस कर दी छि सब अछि बट एठी क्राइटेरिया हला देखंतु आपन सिलेबस रो सिलेक्शन पई के तो आपन को कोन देखा पड़िबो ना 60% मार्क आपन एंट्रेंस एग्जाम रो आसीबो एंड 40% मार्क आपन कर जो करियर मार्किंग थी ताठार आपको इनक्लूडेड करा जाए बुझेगा तो से करियर मार्किंग एवरेज भी अच्छी जब एंट्रांस भल मार्किंग रोचे आप सिलेक्शन हो पार बुझेगा तो कमी अप्लाय करेंगे तो अप्लाय आपको बहुत सिंपल जिनस अच्छे जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन अच्छी तो ये आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड मदर नेम एंड ये आप मोबाइल नंबर एंड ईमेल आई डी देखिए वैलिडेट करेंगे ये आपको पूरा पूरी फर्म रही है तो फर्म को आप डिटेल हिसाब से देखी एंड अप्लाय कर लास्ट डेट आप मे 4 पर्यंत अच्छे हे तो एक्सटेड हो पाए बट एपको रेकमेंड करी कि आप अप्लाय करूँ जो मैंने आशाई अच्छा एंड जो मैंने अप्लाय भी करने चाहूँ जमी प्लस टू एग्जाम जो मैंने देखते कि प्लस टू एग्जाम पर चाहूँ कि आप बीए किंबा बीएससी किंबा बीएससी ईडी किंबा बीएससी बीए बीईडी करने चाहूँ तो आपकी अपॉर्चुनिटी खुली जाइए निहाती भाव में अप्लाय करूँ एंड जो आप टेस्ट सीरीज एंड आप जो वीडियो कोर्सेस रहा यहाँ कि खूब शीघ्र विदिन 1 वीक भितर मुझे टेस्ट सीरीज एंड वीडियो सीरीज एंड आप जो टोटल सिलेबस जमी क्वेश्चन आपको आसूस तार टोटल आपंकर टेस्ट सीरीज एंड आप सेक्शनल टेस्ट सहित आपको जो वीडियो सीरीज अवेलेबल करदेवी जब आप रिकॉर्ड अच्छी सो जब किसी भी आपको डाउट रोचे तो निहाती भाव में नंबर एंड आप व्हाट्सएप नंबर एंड आम एप्लीकेशन भी जस्ट प्रोवाइड तो निहाती भाव में एप्लीकेशन डाउनलोड करके आम सहित कंटाक्ट करेंगे अदरवाइज आम वेबसाइट pramodclasses.com आमर टोटल डिटेल दिया है जी डिस्क्रिप्शन में मध्य व्हाट्सएप नंबर एंड आपंकर डिटेल आम प्रोवाइड करी छु तो डायरेक्टली आप कांटेक्ट करें रिगार्डिंग कोर्स एंड आपंकर टेस्ट सीरीज विषय सो थैंक्स फॉर वाचिंग।